कौन है परमात्मा, जो दिखता है वो या जो नहीं दिखता है वो? वो जिसको हमने आकृति देकर मूर्ति बनाया है वो, या जिसने हमको आकृति देकर मूर्ति बनाया है वो, कौन सा है मेरा राम? मुझे उस राम का परिचय करा दीजिए। हे मुनि, आपके चरणों में प्रणाम करके पूछता हूँ, बार बार नमन करके पूछता हूँ, बार बार भाव से श्रद्धा से पूछता हूँ, मुझे मेरे राम का परिचय दीजिए, जिनके बारे में सब जपते भजते हैं, जिनके लिए सब अविनाशी कहते हैं, अनंत कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, अज कहते हैं, अमर कहते हैं, जिसको शुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, नित्य कहते हैं, मुक्त कहते हैं, ऐसे मेरे राम का परिचय मुझे बताइए। वो राम कौन है? कौन है वो राम? ये जो दिखता है वो है, या जो नहीं दिखता है वो? जिसके नाम के तिलक लगाते हो वो है, जिसके नाम की कंठी पहनते हो वो है, जिसके नाम की माला लेकर जपते हो वो है, या इन सब से कोई और परे है? कहाँ है वो? क्या शास्त्र जिसका कहते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं निराकार है? तुलसीदास जी ने भी दोनों स्थिति बताई है ना, उन्होंने ही कहा है, आनन रहित सकल रस भोगी, जिसका मुख नहीं है, वाणी नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन एक तरफ उसको साकार भी बताया है, कौन सा है परमात्मा? तो तुलसीदास जी ने इसका समाधान भी दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे सबके अपने अपने राम है, कबीरा का बिना मूर्ति का राम है, उनको मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी तो राम को बिना मूर्ति के देख लिया है, पर मीरा के गिरधर गोपाल है, वही रैदास के अपने भगवान है, जिनको मूर्ति में भी मिलते हैं और बिना मूर्ति के भी दिखते हैं, और वही रसखान के शिबाल गोपाल है, वहीं पर शबरी के धनुषधारी राम है, वहीं केवट के दशरथ नंदन राम है, वहीं पर समस्त ऋषि मुनियों के, शास्त्रकारों के अपने अजन्मे राम है, निर्गुण राम है, निराकार राम है, सबके अपने अपने राम हैं, वही नाम देव जी के सब में दिखने वाले राम हैं। सब संतों ने अलग अलग दृष्टि रख करके अलग अलग तरीके से अपने राम को देखा है।